भगवान रूप में शिव व्यासम मां, या तो तुम खुद पवित्र जाप करके उस लक्ष्मी को अपने घर में खड़ा करो, और या फिर तुम्हारा जो गुरु हो, जिसको वैदिक ज्ञान हो, जिस वैदिक परंपरा को रखता हो, वह तुम्हें उसकी क्षमता दे दे तपस्या के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, कि तुम अपनी समस्या को दूर कर सको, तुम दूर से काम कर सको। मैंने केवल एक श्लोक की व्याख्या की और यह वैदिक काल अपने आप में सनातन काल कहलाया। वैदिक काल को सनातन काल का, सनातन काल की जय हो हम बोलते हैं। सनातन काल का क्या, जो प्रारंभ से जो चीज थी वो आज भी चले, बीच में तो सैकड़ों नदियां छुट भी आई सूख गई, बिखर गई, सब समाप्त हो गए, सैकड़ों सन्यासी हुए, सैकड़ों साधु हुए, कबीर सूर तुलसी के अलावा भी और भी साधु सन्यासी हुए होंगे, समाप्त हो गए, उनके मंत्र, उनके ज्ञान, उनके भजन अपने आप में बने रहे। इसलिए मैं भी सिद्धासन साधक परिवार में दो ही रास्ते थे कि मैं भजन कीर्तन करूं, और हम करते हैं, हम भजन भी गाते हैं, कृष्ण का भजन भी गाते हैं, राम का भजन भी गाते हैं, उसकी व्यवस्था भी रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं भजन गाएंगे नहीं, कीर्तन में भी मन लगाएंगे, आरती भी करेंगे, मगर उन ऋषियों की वाणी भी नहीं भूलेंगे जिन ऋषियों ने यह कहा है कि आप स्वयं सक्षम बने, और सबसे पहला और सबसे मुख्य कार्य यही है कि आप अपने जीवन की समस्याओं को संपन्न करें, आप खुद करें, और कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, करेगा कब तक कर पाएगा, तब तक हम तो समाप्त हो जाएंगे, फिर हम अपना निर्माण कब कर पाएंगे, कब हम अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे, कब हम दूसरे काम कर पाएंगे। और इसीलिए यदि आपने अथर्ववेद पढ़ा हो तो अथर्ववेद के बारे में प्रारंभ में एक श्लोक लिखा है, सबसे बाद में अथर्ववेद की रचना ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के बाद, और उसने कहा कि प्रत्येक गुरु को चाहिए कि यह सनातन है, यह प्रारंभ से अंत तक जब तक शक्ति रहेगी तब तक यह सिद्धांत रहेगा ही कि व्यक्ति खुद सक्षम बने, तो खुद ताकतवान बने, वह खुद अपने आप में हिम्मत हौसला पैदा करे, खुद ज्ञान मानुषी बने। और आप सब जो बैठे हुए ठीक वैसे ही लग रहे हैं जैसे ऋषि हो, तो जरूर नहीं जता बढ़ाने से ऋषि बन पाएंगे, ये जरूर नहीं है कि आप जंगल में घूमने से ऋषि बन पाएंगे। ऋषि तो वो कहलाता है जो अंदर ज्ञान का संचार हो, ऋषि है सब ऋषि, जिसके अंदर ज्ञान का संचार है, जिसको नॉलेज है, जो अपनी समस्याओं का समाधान में तत्पर है, वह ऋषि, जो बिल्कुल मौन रहता है, बोलता नहीं है, वह मुनि, उसको हमने मुनि कहा है, जो किसी प्रकार के मुंह से उच्चारण करे ही उनको मौनी बाबा कहते हैं या मुनि कहते हैं, जो योग की विद्या जानता है उसको हम योगी कहते हैं, जो बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति का है उसको हम साधु कहते हैं। तो अथर्ववेद कह रहा है कि इन साधु और सन्यासी उस योगी और यति से काम नहीं चलेगा, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को गुरु को चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर बना दे, ईंटों पत्थरों के अलावा उस व्यक्ति को खुद को मंदिर बना दे, एक इस मंदिर का निर्माण कर दे। मैं वैष्णो देवी जाऊं और मां विष्णु के दर्शन करूं, मैं प्रत्येक उसमें शरीर में वैष्णो देवी स्थापित हो जाए, देवता को स्थापित करें, प्रत्येक व्यक्ति अपना आप मंदिर बने, चलता फिरता मंदिर, जहां जाए वह ज्ञान दे, चेतना दे, मंत्र दे, साधना दे, सफलता दे और उनको पूर्णता दे, आने वाले पीढ़ियों में भी वह ज्ञान खत्म नहीं होगा, उस मंदिर में भी उपसर्ग को भद्र देवता बने हुए। और आज 5,000 साधुओं में से 5,000 विद्वानों में से 1,000 विद्वान ऐसा होगा जो सही ढंग से शब्द भद्र रचना कर सकेगा। मालूम नहीं शब्द भद्र यंत्र क्या होता है, तो शब्द भद्र यंत्र आज तो नहीं बने, सूर तुलसी के टाइम में तो नहीं बने, वो तो वैदिक काल की उत्पत्ति है। श्री यंत्र का मतलब एक ऐसा यंत्र जिसमें लक्ष्मी का निवास होता ही है, वह श्री यंत्र, ये तो वैदिक काल और वह समाप्त हो गया, श्री यंत्र की रचना भूल गए, श्री यंत्र की पूजा भूल गए, श्री यंत्र का बीजाक्षर भूल गए, तिरुपति के मंदिर में रोज लाखों रुपए का चला हो सकता है,
क्योंकि उसके मूल गर्भगृह में उस प्रकार का संयंत्र सम्मिलित है जिसके माध्यम से उसके जीवन में उस मंदिर में बंद कमी रहे ही नहीं, कमी नहीं रह सके। इसीलिए तिरुपति मंदिर में या नाथद्वारा मंदिर में करोड़ों लाखों रुपए का सेटअप चलता ही रहता है, उसको गणते ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। और वहां अगर आप शिलालेख पढ़े तो उसमें कहेंगे कि सहसाक्षर श्रीयंत्र इसके गर्भ में स्थापित करने पर इस मंदिर की प्रारंभिक स्थिति बनी। सबसे पहले सहस्राक्षर 1000 अक्षरों से निर्मित यंत्र को निर्माण किया गया और उसके चारों नींव में स्थापन किया गया, फिर उसके ऊपर मंत्र का उस मंदिर का निर्माण किया गया। और जहां भी ऐसे मंदिर बने, बनाने वाले तो रहे श्री शांत भी हुआ, मगर मंदिर अपने आप में दिव्य चैतन्य बन गया, उसकी मूर्ति अपने आप में एक मूर्ति सजीव बन गई, लाखों लोगों की समस्याओं को दूर करने में सहायक बन सकती, वहां गए और अपने आप में शुद्धता बन सकी, क्योंकि वैदिक काल की परंपरा को उन्होंने प्रारंभ किया। और वही ऋषि कह रहा है कि अथर्ववेद में कह रहा है कि तुम उस व्यक्ति को खुद को मंदिर बना दो, सजीव चलता फिरता मंदिर, जहां जाए वह ज्ञान की चेतना दे, शांति का संदेश दे, प्रेम का संदेश दे, धर्म का संदेश दे, एहसास करवाए कि तुम किस प्रकार से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हो। और मैं वही कार्य कर रहा हूं। मैं नहीं कह सकता कि मैं उस वैदिक काल को आपके बीच में कितना ला सकूंगा, मगर पिछले 20 वर्षों में प्रयत्न ही रह रहा है और निरंतर पूरे भारतवर्ष से, पूरे देश से, संसार से लोग आ रहे हैं। इंग्लैंड में गया तो वहां भी 1.5 लाख व्यक्ति इकट्ठे हुए, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हमें उन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने कीर्तन और कीर्तन के बाद में मंत्र सीखने का अभ्यास किया, गायत्री मंत्र सीखा, निरंतर गायत्री मंत्र का जप किया, उनके आत्मा में शुद्धता पवित्रता का भाव हुआ। और मैक्स मूलर जैसा विद्वान अंग्रेजी का, यदि आप नाम सुना हो, उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान से बड़ा तो ज्ञान संसार में भी नहीं, मैं अंग्रेज हूं, विद्वान हूं अंग्रेज का, पूरा इंग्लैंड मुझे मानता है, मगर वैदिक ज्ञान के सामने हमारा सारा लिटरेचर, सारा ज्ञान अपने आप में बिल्कुल तुच्छ है, बोना है, छोटा सा सामान्य। मैक्स मूलर जैसा व्यक्ति पूरे वेदों की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये ज्ञान अपने आप में बिल्कुल होता है, इस ज्ञान को तुम समझोगे तो मालूम पड़ पाएगा। आइंस्टीन जैसा व्यक्ति मरते समय यह कहा कि यदि एक भगवान ब्रह्मा है, नियमता है, अमेरिका से व्यक्ति कह रहा है, तो मेरी मृत्यु के बाद मुझे वापस हिंदुस्तान में पैदा करे, भारतवर्ष में पैदा करे, ऐसी जगह पैदा करे जहां किसी ऋषि, किसी योगी, किसी सन्यासी, किसी वैदिक ज्ञान का विद्वान जानकार हो, उसके संपर्क में आऊं। उसने अपने ग्रंथ में लिखा और मैं वापस उस काल की गणना को, ज्योतिष को सीखूं, उन मंत्रों को सीखूं, उसके माध्यम से कुछ साध्याय करूं, फिर अपने आप में सक्षमता करूं और फिर मैं संसार के दूसरे देशों में भी उस ज्ञान को फैलाऊं। आयुषी जैसा विद्वान भी वापस उसी जगह पहुंचा है जहां मैं आपको बात कह रहा हूं। एक दिन बात ये लोगों को समझ में आई, क्योंकि मैं नबी का अथर्ववेद श्लोक के माध्यम से कि मैं आपको केवल ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं केवल आपको मंत्र भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूं और बता रहा हूं कि सही मंत्र उच्चारण क्या है। आप मुझे 100 पंडित के लिए दिखा दीजिए जो सही ढंग से वेद मंत्र उच्चारण कर सके, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं, केवल 100 पंडित को दिला के दिखा दीजिए। और जो पंडित के घर में जन्म लेगा वो पंडित होगा, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वो ब्राह्मण होगा, मगर ब्राह्मण के घर में जन्म लेना और सही ढंग से वेद का उच्चारण करना दोनों अलग अलग बात, सही ढंग से मंत्र का उच्चारण करना दोनों अलग अलग बात। कल मैंने बिल्कुल तथ्य के आधार पर आपको समझाया कि मैंने एक आदमी को आवाज दी और वह आदमी आके खड़ा हो गया, मैं तो कोई कसी बाजी नहीं थी उसको, मैं तो जबरदस्ती खेलता भी नहीं था, जिसको खेल करके खड़ा भी नहीं किया था, मेरे से बीच में तो कोई बीच में कोई माध्यम था ही नहीं, केवल का माध्यम था।
मेरे मुझे सब निकला सही ढंग से उसके अंदर परफेक्ट पड़ा और वहां पर खड़े हो गए। ये क्या था? सही ढंग से बोलने की उच्चारण की क्षमता थी, एक मंत्र था। और यही मंत्र यदि आप लक्ष्मी के लिए प्रयोग करें, ये मंत्र अपने आप में दूसरे देवताओं के लिए प्रयोग करें तो भी आपके सामने आपके खड़ा होगा ही, आपका कार्य करेगा। इसलिए वापिस उस लक्ष्मी के उस श्लोक पर उस मंत्र पर कि गुरु का पहला और श्रेष्ठतम कर्तव्य यह है गुरु का कि धन का दुरुपयोग नहीं करे, दान ले तो वापस उसको उतना उसे बस गुना दे दे और किसी भी रूप में दे दे। पहले के श्री कृष्ण गए शांतिपुर आश्रम में और राजा के बेटे थे, कोई भिखारी नहीं थे, मगर लकड़ियां ढोई, लकड़ियां काफी जंगल में जाते, लकड़ी को गठन बनाया, सिर के ऊपर उठाया, लाए चूल्हे में डाली, रोटियां बनाई, उनको भोजन करवाए, खुद भी भोजन करते थे और फिर शांतिपुर उसको ज्ञान देते, मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया, लिया उनसे सेवा ली, उनको ज्ञान दिया। उस समय वह आवश्यकता गुरु को मुक्ति आवश्यकता थी कि वह उनसे प्राप्त करें, चूड़ामा से कृष्ण से और जितने भी शिष्य थे उनसे प्राप्त किया, क्योंकि बिना प्राप्त किए तो ज्ञान देना ही अपने आप में व्यर्थ। गुरु ने कहा मैं एक प्राप्त दक्षिणा दे तो मैं तुम्हें ज्ञान दिया, तो तुम अंगूठा मांगा उन्होंने प्राप्त दे दिया। गुरु ने मांगा अंगूठा और अगर अंगूठा ही नहीं है तो तीर चले का विषय, तो पीर के लिए अंगूठा है उनकी जरूरत है, उन्हें पीर पकड़ा जाएगा, फेंका जाएगा, छोड़ा जाएगा, बिना अंगूठे पीर पकड़ नहीं सकते। और द्रोणाचार्य का तो अपना अंगूठे ही काट के देगा, उस बीजे से जो अंगूठे ही काट के देगा तो फिर जो धनुर्दशि की उसका उपयोग क्या होगा। मैं एक क्षण के बाद सोचा कि जब गुरु ने मुझे कह दिया अंगूठे काट के देगा, मैं सोचने ही क्या है, अंगूठा एक क्षण काट के देता हूँ मस्ती और अर्जुन से कई गुना उनका वो अपना धनुर्विद्या में पाल नहीं पाता। और द्रोणाचार्य के मुंह से निकला कि तुम अविस्तर होगे, कभी पराजित होगे नहीं, और एक मिनट में पराजित हुआ ही नहीं। अर्जुन तो फिर भी कभी कभी पराजित हुआ, फिर अभी उनके मदद नहीं कर सका, अपने पुत्र को नहीं बचा सका, कई जगह उसको भाग भी लगे, तो अभिमन्यु भी युद्ध में अपने आप में खड़ा रहने के बावजूद अभिजीत रहा, सफल रहा, अंतिम क्षणों तक वह जीत में विजयी रहा। ये सब क्या था? यह था अपने आप में पूर्ण क्षमतावान करने की क्षमता। और मैं ये हमारी उस परंपरा को कीर्तन की परंपरा के साथ साथ, भजन की परंपरा के साथ साथ, मंदिर के दर्शन करने की परंपरा के साथ साथ, उन सारे योगियों ऋषियों मुनियों को श्रद्धावत होता हुआ, उन दान देने वालों के लिए भी अपने आप में पूर्ण श्रद्धावान होते हुए भी उस वैदिक काल के ऋषियों की वाणी को भी भुला नहीं सकते। और उन्होंने भी यही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर बनाया जाना चाहिए, अगर गुरु है तो प्रत्येक शिष्य एक मंदिर बने, जहां जाए लोग उसके दर्शन करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, जहां भी गुरु जाएगा शिष्य कैसे होंगे ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ज्ञान प्राप्त करेगा तो फिर वो सैकड़ मंदिर और बना देगा, तो मेरे अपने आप में दस मंदिर और बना दोगे, चलते फिरते मंदिर, एक जगह स्थिर मंदिर नहीं, वो चलते फिरते मंदिर, जहां जाए अपने आप में मंदिर बने, क्योंकि ब्रह्म तो तुम्हारे अंदर नहीं थे, ईश्वर तो तुम्हारे अंदर नहीं थे ही, उनको एक वाणी से दूसरों के हृदय में उतारने की जरूरत है, हृदय में उतारने की जरूरत है, कानों में उतारने की जरूरत नहीं है, हृदय में संस्कार करने की जरूरत है। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में एक सिद्धार्थ संस्था ही ऐसी है जो वैदिक काल को वापस धरती पर लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है, कृत संकल्प है, पूर्णता के साथ कार्य कर रही है, केवल एक संस्था। आज आप सब लोग गुरु पूर्णिमा के लिए और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए हो, आप में पूर्ण उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए,
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।